नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे साधु के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनकी शक्तियां जानकर और उनके बारे में एक ऐसी घटी घटना के बारे में जानकर आप भी हो जाओगे हैरान। जिसने भी इन साधु के बारे में सुना और उनके साथ हुई घटना के बारे में सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आप भी पूरी जानकारी के लिए देखते रहे हमारे इस वीडियो को। यह घटना है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर की। यह ऐसी घटना थी जिसके बारे में जानकर पुलिस वाले भी हो गए थे हैरान। पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। दरअसल जब विवेकानंद रोड पर एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान से दो चोरों ने चोरी की, उसी समय अचानक वहां पुलिस पहुंच गई और पुलिस को देखकर दोनों चोर डर गए और पूरा चोरी का सामान वहीं पर छोड़कर भाग गए। तभी वहीं से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। पुलिस ने जब साधु महाराज को देखा तो उन पर शक हुआ और फिर घटना स्थल पर होने के कारण पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और रात के 12 बज रहे थे। साधु महाराज को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद पुलिस वालों ने उनसे पूछताछ की तो साधु महाराज ने कहा, मैं तो साधु हूँ और साधु तो सभी मोह माया से दूर होते हैं। मेरा नाम अद्भुत आनंद महाराज है और मैंने 17 वर्ष की आयु में ही दीक्षा ग्रहण कर ली थी। तभी से मैं अलग अलग शहरों में घूमकर तीर्थ यात्रा करता हूँ। अपनी सफाई में इतना कहकर साधु महाराज ध्यान मुद्रा में चले गए और पुलिस ने उनके खिलाफ चोरी का मुकदमा बना दिया। एक दिन बीत जाने पर साधु महाराज ध्यान मुद्रा से बाहर नहीं आए और देखते ही देखते करीबन 3 दिन बीत गए। वह अभी तक ध्यान मुद्रा से बाहर नहीं आए थे और इस समय उन्होंने अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं किया था और सभी पुलिस वाले हैरान हो गए या सोच में पड़ गए कि एक व्यक्ति में इतनी एकाग्रता शक्ति कैसे हो सकती है। और इस घटना के 3 दिन बाद उसी कोलकाता पुलिस थाने में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सबके रोटे खड़े हो गए। दरअसल वही दो चोर जिन्होंने विवेकानंद रोड पर दुकान में चोरी की थी और जितना भी चोरी किया हुआ सामान था वह सब पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया और खुद को पुलिस वालों को समर्पण कर दिया। वह दोनों बहुत ही डरे हुए लग रहे थे। जब पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि तुम खुद स्टेशन में क्यों आए हो तो उन लोगों ने कांपते हुए स्वर में बोला कि एक बहुत ही चमत्कारी बाबा पिछले 3 दिनों से हमारे सपने में आ रहे हैं और सपने में आकर वह हमें चेतावनी दे रहे हैं कि उस दिन जितना भी सामान तुम लोगों ने चोरी किया है वह सब जाकर पुलिस स्टेशन में जमा कर दो। पहले तो हमने इस पर ध्यान नहीं दिया पर दूसरे ही दिन से हमारे जीवन में ढेर सारी मुसीबतें आने लगीं, इसीलिए हम यहाँ सारा सामान जमा करने आए हैं। फिर पुलिस वालों ने उन दोनों को रिमांड पर लिया और उन चोरों से कहा कि तुम्हारी गलती की सजा पिछले 3 दिनों से एक बेगुनाह बाबा भुगत रहे हैं। और जब उन दोनों चोरों ने उन बाबा को देखा तो उनके पसीने छूट गए क्योंकि वह वही बाबा थे जो पिछले 3 दिनों से उन चोरों के सपने में आ रहे थे। पुलिस वाले भी इस बात को जानकर बहुत हैरान हुए। वह सब समझ गए थे कि यह कोई सामान्य बाबा नहीं है। फिर किसी तरह से बाबा को ध्यान मुद्रा से निकालकर उन्हें जेल से बाहर निकाला। फिर सभी पुलिस वालों ने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी। साधु महाराज ने दया दिखाकर सभी पुलिस वालों को क्षमा कर दिया।